अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन से पहले गोरखनाथ मंदिर भी रोशनी से नहा उठा है। पूरा मंदिर परिसर राममय हो गया है। सोमवार से ही मंदिर में रामचरितमानस का पाठ भी शुरू हो गया है। उसके बाद मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर में दीपोत्सव किया गया। गौरतलब है कि राम मंदिर आंदोलन से गोरक्षपीठ का लंबे समय से गहरा नाता है। अब मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होना है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी मात्र से ही लोगों में उत्साह है और मंगलवार को मंदिर में दीप जलाकर खुशी का इजहार किया गया। इसी के साथ गोरखनाथ मंदिर के राम दरबार में सोमवार से 48 घंटे का रामचरितमानस का पाठ शुरू हो गया है। मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी ने बताया कि गोरखनाथ मंदिर में ही नहीं महानगर व ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों में भी जश्न का माहौल है। राम जन्मभूमि के आंदोलन में गोरखनाथ के महंतों की विशेष भूमिका रही है। गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ ही वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्हीं के अगुवाई में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम मंदिर के आधारशिला रखेंगे, जो मील का पत्थर साबित होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी ने बताया। Thank you.
यही जो कल 5 अगस्त को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर भूमि पूजन का आयोजन किया जा रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उनके द्वारा भूमि पूजन किया जाएगा। इस अवसर पर अयोध्या में अनेक संत महंत धर्माचार्य विद्वान सब लोग उपस्थित होंगे। आज गोरखनाथ मंदिर में गोरखपीठ की ओर से रामायण पाठ का आयोजन किया गया है जो 5 अगस्त तक चलेगा। इसी अवसर पर यहाँ दीपोत्सव किया गया है। हमारे सभी मंदिरों में दीप जलाया जा रहा है, ये हमारे खुशी का प्रतीक है। संपूर्ण हिंदू समाज ही नहीं संपूर्ण भारतवासी सभी वर्ग के लोग सभी संप्रदाय के लोग आज खुशी जाहिर कर रहे हैं इस शांति प्रिय ढंग से। आज कल जो है भूमि पूजन का आयोजन किया जा रहा है जो सबको खुशी दे रहा है। ये कितने वर्षों से कई 100 वर्षों का जो इच्छाएं थी भारतवासियों की वो कल पूर्ण हो रहा है। माना जाता है गोरखनाथ मंदिर का अहम योगदान है, ये तो सर्वविदित है कि माननीय महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, महंत अवेद्यनाथ जी महाराज, योगी जी महाराज, ये उस समय से चल रहा है जो आज कल इसकी पूर्ति हो रही है, पूर्णावती हो रही है कि राम जन्मभूमि। अब सभी लोगों को मालूम हो गया कि अब राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनकर तैयार होगा और इसे शीघ्र ही तैयार किया जाएगा जिसमें मूर्ति स्थापना होगा। ये बड़ा ही खुशी की बात है, बड़ा ही खुशहाली है जो कितने वर्षों का सैकड़ों वर्षों का ये कल्पना थी पूर्ण किया गया।